हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर फ्रेंड एंड गाइड नमन कपूर। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के एक सैम्पल पेपर की। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा है कि सीबीएसई की वेबसाइट पे आपका सैम्पल पेपर आ चुका है और बहुत सारे बच्चे उससे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि इतने क्वेश्चंस हैं, कैसे करने हैं, उसमें कितने मार्क्स का पर क्वेश्चन है, तो वही सब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, आपके पास जो सैम्पल पेपर है, उस सैम्पल पेपर में आपके पास काफ़ी सारी चॉइसेस हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे इस चीज़ से परेशान थे कि चॉइस नहीं मिलेगी, तो वो एक प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व हो गई। एक प्रॉब्लम जो काफ़ी बच्चों को लगती है, न्यूमेरिकल पोर्शन, जो इनके माइंड में रहता था न्यूमेरिकल काफ़ी कम पार्ट का आएगा, पर जैसा कि हमें सैम्पल पेपर में देखने को मिल रहा है, न्यूमेरिकल का पोर्शन काफ़ी अच्छा खासा है। मीन्स इट कंटेन्स मोर देन 40% ऑफ न्यूमेरिकल। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर सैम्पल पेपर का फर्स्ट पेज दिख रहा है। ओके, तो हमारे पास जो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, कि हमारे पास जो पूरा पेपर है दैट कंटेन्स ऑफ 3 सेक्शंस। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए जो हमारे पास है, तो सेक्शन ए आपके पास दैट कंसिस्ट ऑफ टोटल 25 क्वेश्चन, आउट ऑफ विच यू हैव टू डू एनी 20 क्वेश्चंस। ओके, और एक मेन चीज़ आप याद रखिएगा कि ऐसा काम ना करें कि आप पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दें। आपको लगे कि नहीं, हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, टीचर को जितने सही मिल जाएंगे उसमें मार्क्स मिलेंगे। स्पेशली मैंशनड है दैट ओनली योर फर्स्ट 20 क्वेश्चन विल बी आंसर, विल बी चेक। ओके, सो ध्यान रखें, पहले आप पेपर में करें एंड विद इन टाइम आप अपनी OMR शीट फिल करें, क्योंकि OMR शीट फिल करने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो कोशिश कीजिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहें OMR शीट फिल करने की। सैम्पल पेपर्स लें, उनके क्वेश्चंस आप करें एंड ऑल्सो फिल दैट OMR शीट। मे भी कुछ बच्चों को 5 मिनट लगता हो, कुछ को 10, कुछ को 15 मिनट सिर्फ OMR शीट फिल करने में लग जाता हो। ओके, चलो, तो सेक्शन ए, जैसे हमने बात करी कि सेक्शन ए में हमारे पास टोटल 25 क्वेश्चन है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ इक्वल मार्क्स and you have to do only 20 questions. Section B, it consists of 24 questions, out of which you have to do 20 questions again. Okay, and there is section C2, जिसमें आपको मिलेंगे 6 questions, जिसमें से आपको कोई 5 करना है। Okay, so well and good, हमारे पास total questions 55 हैं, and what we have to do 45 questions in total. Okay. अब प्रॉब्लम बच्चों के माइंड में, बहुत सारे बच्चों के माइंड में है कि 35 मार्क्स का आपका पेपर है, आपको क्वेश्चंस करने हैं 45, तो क्या क्वेश्चंस कुछ हाफ मार्क्स के हैं, कुछ 1 मार्क्स के हैं? तो ये बोर्ड ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आपका हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क का है, कोई क्वेश्चन कम या ज़्यादा का है। सो यू कैन ईजिली कैलकुलेट कि 45 क्वेश्चंस हैं आपके, 35 मार्क्स के हैं, तो पर क्वेश्चन आपके पास कितने मार्क्स का है। ओके, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास पर क्वेश्चन, अगर हम लोग बात करें 45 क्वेश्चंस हैं, 35 मार्क्स के हैं, तो अगर हम लोग पर क्वेश्चन की बात करें तो पर क्वेश्चन हमारे पास 0.77 मार्क्स का बन रहा है। ओके, सो यू आर हैविंग 45 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी 0.77 मार्क्स, सो यू विल गेट टोटल 35 मार्क्स। ओके, सो यू आर हैविंग 0.77 मार्क्स फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ना उससे कम मिलेगा ना ज़्यादा मिलेगा, मीन्स दो ही ऑप्शन है, या तो 0.77 या तो 0, क्योंकि पेपर में आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं। और पूरा पेपर आपके पास MCQ बेस्ड है, जैसा कि बोर्ड ने आपसे कहा था कि आपका टर्म 1 का एग्ज़ाम MCQ बेस्ड ही होगा। ओके, तो चलिए बात करते हैं कुछ और, कि आपके पास कितने क्वेश्चंस किस लेवल के हैं, किस टाइप के हैं, इनकी हम बात करते हैं। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न बना रहता है कि हाँ, एक वर्ड बोल देता है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे। होता क्या है कॉन्सेप्चुअल, न्यूमेरिकल्स में किनको रखते हैं आप, कॉन्सेप्चुअल में किसको रखते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन को आप डायरेक्ट क्वेश्चन कहते हो, तो इनकी हम बात करते हैं। ओके, तो जैसा कि मैंने पेपर एनालाइज करा, CBSE का सैम्पल पेपर एंड ऑल्सो सम मोर सैम्पल पेपर्स जो भी CBSE के बेस पैटर्न पर बेस्ड बनाए गए, तो उनकी हम लोग कुछ बात करते हैं। तो आपके पास टोटल क्वेश्चंस आपने जैसा देखा कि 55 है, जिसमें से आपको करने 45 है, तो उन 55 क्वेश्चंस में अगर हम बात करें, सो वी आर हैविंग टोटल 55 क्वेश्चंस। ओके, जिसमें से हमारे पास 25 तो न्यूमेरिकल्स,
ओके, ये पोर्शन काफ़ी डिफरेंट है जैसा कि पहले पेपर होते थे उसके कंपैरिजन में। आपके पास पहले थोड़ी थ्योरी आती थी, कुछ काफ़ी डेरिवेशन आती थी, न्यूमेरिकल का पोर्शन आपके पास अप्रॉक्स 70 में 20 से ज़्यादा नहीं रहता था। इस बार आपको दिख रहा है 55 मार्क्स का पेपर आपका, उसमें से 25 आपके पास न्यूमेरिकल्स है, तो बाकी पार्ट क्या है वो भी समझ लीजिए, क्योंकि डेरिवेशंस आनी नहीं है, डेफिनेशंस तो आएंगी नहीं, तो कुछ और बात करते हैं। 25 आपके पास न्यूमेरिकल, 25 क्वेश्चंस आपके पास कॉन्सेप्चुअल, एंड रेस्ट जो 5 बच रहे हैं दीज आर डायरेक्ट क्वेश्चंस। ओके, तो अब इनकी हम बात करते हैं कि ये क्वेश्चंस में क्या क्या पोर्शन आ रहा है, क्या क्या पोर्शन आपके पास कवर हो रहा है। ओके, तो पेपर एनालाइज करने के बाद मुझे जो दिखा दैट 25 क्वेश्चंस, अगर आई मीन 25 जो क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं इनको भी कैटेगराइज करें तो न्यूमेरिकल्स भी आपके पास काफ़ी टाइप के होते हैं। अच्छा, डिस्कस करते हैं कितने टाइप के आपके पास न्यूमेरिकल बनते हैं इन पे। ओके, चल कुछ एक आध एग्जाम्पल लेते हैं कुछ क्वेश्चंस का। आप लोगों ने आई होप सो सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया होगा, नहीं भी किया होगा तो आपके स्टार्ट की यूनिट्स तो सबकी कंप्लीट होंगी, और बिल्कुल नहीं किया तो स्टार्ट कर देना तो बहुत लेट हो जाएगा। ओके, तो बात करते हैं जो 25 हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं। ओके, इन 25 न्यूमेरिकल्स में मैंने देखा कि 8 न्यूमेरिकल्स हमारे पास कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हैं, डायरेक्टली कॉन्सेप्चुअल बेस्ड न्यूमेरिकल। कॉन्सेप्चुअल अलग चीज़ है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड न्यूमेरिकल अलग चीज़ है। ओके, बाकी बचे हैं हमारे पास 17 क्वेश्चंस। ओके, 25 में से 8 तो आपके पास कॉन्सेप्चुअल बेस्ड न्यूमेरिकल्स हो गए। ओके, अब उन 17 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो मुझे 7 क्वेश्चंस दिखे जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मींस क्या है कि आपको मैंने कहा है कि जैसे कि कूलम्स लॉ की हम बात करें, फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, Q1 Q2 दे दिया, R दे दिया, K दे दिया, एंड यू हैव टू कैलकुलेट फोर्स। ओके, दीज आर कॉल्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स जो हमारे पास हैं वो मुझे देखने को मिले 7, दीज आर डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स। ओके, 15 कंप्लीट हो गए हमारे पास, अभी बच रहे हैं 10। अब वो 10 वो हैं जिनमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा लेवल 2 समझ के चलिए। ओके, तो 10 क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे। अब लेवल 2 मीन्स ये भी मत समझिए कि आपको IIT के क्वेश्चंस लगाने हैं या आप बुक खोल के बैठ रहे हो, आप कॉम्पिटिशन्स के क्वेश्चन ढूंढ रहे हो, क्योंकि पेपर आपका बोर्ड लेवल का है, आप वही प्रिपेयर कीजिए अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, तो ये जो 10 क्वेश्चंस हैं इसमें आपके पास थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, जिसमें आपके पास क्या है कि आपको एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट मिक्सअप करने पड़ रहे हैं, फॉर्मुलेज देखने पड़ रहे हैं, कुछ आपके पास एक्सेप्शन केसेस होते हैं उनको ध्यान रखना पड़ रहा है कि हाँ कैसा क्या होता था। ओके, तो इन चीज़ों पर बेस्ड आपके पास 10 क्वेश्चन है, उनमें भी अगर हम लोग बात करें। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 8 आपके पास कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हैं, 7 आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, तो जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स हैं आपके पास, इनको तो आप इजी में ही काउंट कीजिए। तो ओवरऑल ये जो मेरे पास 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं दीज आर कैटेगराइज्ड एज इजी क्वेश्चंस। ये जो 10 क्वेश्चंस हैं इनमें आप 5 को बिल्कुल एवरेज लेके चलिए, बट 5 आर क्वाइट टफ, एंड टफ मींस ये नहीं कि आप कर नहीं सकते हो या वो IIT बेस्ड है, मींस उसके लिए आपको थोड़ी डीप स्टडी करनी पड़ेगी प्रॉपरली। NCERT एक एक लाइन, एक एक न्यूमेरिकल आपका तैयार हो, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगा रहे हैं, वेल एंड गुड फॉर प्रैक्टिस। ओके, तो 5 क्वेश्चन हमारे पास थोड़े से टफ हैं, बट ऐसे नहीं है कि आप अटेम्प्ट ना कर पाओ, मीन्स आप अगर सैंपल पेपर देखेंगे तो आपका हर एक क्वेश्चन अगर आपने सही स्टडी करी तो आपको पढ़ा हुए में से मिलेगा, अलग से क्वेश्चन नहीं डाले गए। आप NCERT से देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस डायरेक्ट NCERT के मिलेंगे। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे ये जो 5 मार्क्स है मीन्स ये थोड़ा सा लैक करेगा आपके लिए, तो इसके लिए आपको थोड़ी डीप स्टडी करनी पड़ेगी। ओके, बट बाकी आपके पास जो 8 मार्क्स कॉन्सेप्चुअल हैं, 7 डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूले तैयार हैं। ओके, आपको पता है एक आपके पास डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, उसके लिए वर्क डन कि अगर आप उसे किसी भी एंगल से दूसरे एंगल पे चेंज कर रहे हैं तो वर्क डन कितना होगा। अब ये आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर मैं बात करूँ आपके पास इसका फॉर्मूला कुछ होता है P cos θ1 - cos θ2। ओके, अब मैं इसे कौन अगर मैं कहूँ इसे थोड़ा सा टफ बनाने की, जो इसको मैंने टफ क्वेश्चन में काउंट करा हो, क्या क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन मैंने बोला है कि आपको वर्क फाइंड आउट करना है। ओके, फॉर्मूला आपके पास P cos θ1 - cos θ2 है। अब मैंने आपको क्वेश्चन में ये ऐड ऑन कर दिया दैट यू हैव टू रोटेट दैट डाइपोल फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड तो है, पर इसके लिए भी आपको थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना पड़ा। क्या सोचना पड़ा ये देखिए, कि आपको ये भी याद होना चाहिए कि
आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम पे एंगल कितना होता था, अनस्टेबल पे कितना होता था। तो जब आपके पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला में कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट ऐड ऑन हो गए हैं, वही उसी को मैंने यहाँ पे ऐड ऑन करा है एवरेज एंड टफ। जहाँ पे काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है वो एवरेज में, जहाँ पे थोड़े से लेवल ज़्यादा है वो आपको मैंने टफ में काउंट करा। तो ये हमारे पास टोटल 25 न्यूमेरिकल है जिसको मैंने डिस्कस करा, और एक इनका डिफरेंस कि हाँ ये जो मैंने आपको बताए हैं, एक एग्जाम्पल लेके मैं बताता हूँ, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन उठा के, बिल्कुल बेसिक, जो जिसने स्टडी अभी ज़्यादा कंप्लीट नहीं भी करी है उसको भी वो टॉपिक आता होगा, तो वही टॉपिक उठाते हैं। ऐसा ना हो कि भाई क्वेश्चन ऐसा उठाए जिसने वो चैप्टर ही ना पढ़ा हो तो उसको क्लियर ही ना हो कि क्या मैं बता रहा हूँ। ओके, चलिए सबसे पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था भाई, कूलम्स लॉ, सब ने पढ़ा है भाई, क्या है कूलम्स लॉ, ठीक है। अब आपके पास फॉर्मूला था दैट एफ इक्वल टू 1/4 πε0 k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, मैं आपको एक पहला क्वेश्चन, मैं यहाँ पर केवल वन बना रहा हूँ, मैंने इसमें क्या करा है, मैंने आपको Q1 दिया, Q2 दिया, R दिया एंड K दिया। ओके, आपसे कहा फोर्स निकालिए, ये क्वेश्चन किस कैटेगरी में रखेंगे आप लोग, दीज आर डायरेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि आपके डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। ओके, मैंने इस क्वेश्चन पे बेस्ड आपसे कहा ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन F एंड K। ओके, तो आपको यहाँ पे F और K इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, तो आपको याद होएगा ये टॉपिक मैंने अपने कूलम्स लॉ के फर्स्ट लेक्चर में ये चीज़ बताई थी दैट कि अगर आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ओके, अब ये क्वेश्चन किस में कैटेगराइज होएगा, ये तो न्यूमेरिकल में नहीं हो सकता, सो इट इज़ कैटेगराइज इन कॉन्सेप्चुअल। जहाँ पे आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपके किसी फॉर्मूले पे बेस्ड हैं, अब यही क्वेश्चन मैं आपसे कह रहा हूँ मैं K इंक्रीज करूँगा F पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, दिस इज कॉन्सेप्चुअल, दिस इज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दैट नॉट कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल। कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल में क्या चीज़ है वो समझिएगा, कि मैंने आपसे ये क्वेश्चन कहा दैट अगर मैं डिस्टेंस को डबल करता हूँ, ओके, चार्ज को हाफ कर देता हूँ दोनों चार्जेस को, तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो ये आपके पास फॉर्मूला बेस्ड है। ओके, इसके साथ आपको ये भी याद रखना है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो दीज क्वेश्चन आर कंसीडर्ड एज कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन। ओके, आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने एक फॉर्मूला क्लास 10th में पढ़ा है और 12th में पढ़ा है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। ओके, रेजिस्टिविटी के टर्म में क्या होता था हमारे पास, R इक्वल टू रो एल बाई ए, फाइन। अब इसमें मैं आपको रो दे दूं, एल दे दूं, ए दे दूं और आपसे कहूं आर निकालो, दिस इज इट इज डायरेक्ट क्वेश्चन। ओके, और यही मैंने आपसे कहा कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वायर की लेंथ को 10% इंक्रीज कर रहे हैं, देन उसके रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, दिस इज कॉन्सेप्चुअल बेस्ड न्यूमेरिकल। ओके, बी क्लियर। ओके, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पे कैसे डिपेंड करता है, इट इज अ क्वेश्चन दैट इज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तो ये सारी चीज़ें आप अपने माइंड में क्लियर रखिए कि कौन सा आपके पास कॉन्सेप्चुअल है, कौन सा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, ये सारी चीज़ें। ओके, चलिए और आगे बात करते हैं कुछ। ओके, इसके बाद हमारे पास, हमने भी न्यूमेरिकल्स की बात कर ली कि न्यूमेरिकल 25 हैं, उसमें से कौन सी चीज़ कितनी है, ठीक। देर आफ्टर हम बात करते हैं कि हमारे पास बाकी क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है। ओके, 25 एक छोटा ही पोर्शन, बहुत बड़ा पोर्शन नहीं हुआ क्योंकि अभी आपके पास 30 मार्क्स का पेपर बाकी है। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस आपके पास कौन से हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। नाउ दिस कॉन्सेप्चुअल जो मैंने लिखा है इसमें क्या क्या बेस्ड है ये समझिएगा। यहाँ पे आपके पास ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल लिया ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस, बहुत सारे आपके पास ग्राफ हैं। आप लोगों ने अगर एसी चैप्टर पढ़ा हो, ओके, एसी चैप्टर है आपके पास, वहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करते हैं एक्सी, ओके, एक्सी का फॉर्मूला 1/ωc। ओके, मैंने आपसे कहा एक्सी और ओमेगा के बीच में ग्राफ बनाइए, दैट इज कॉन्सेप्चुअल बेस्ड ग्राफ। मैंने आपसे कहा ओमेगा इंक्रीज करेंगे एक्सी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, दैट इज कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन। ओके, ये आ गया आपके पास कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। एक और क्वेश्चन हमारे पास होता था कि कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर देता है। ओके, क्यों करता है भाई, कैपेसिटर डीसी के लिए अगर आप डायरेक्ट करंट की बात करें, डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। अब आप इस फॉर्मूले से देख सकते हैं अगर फ्रीक्वेंसी जीरो होगी तो एक्सी कितना हो जाएगा, इन्फिनाइट। ओके, मींस
आपके पास जो कैपेसिटर है वो डायरेक्ट करंट को बहुत ज़्यादा रोक रहा है, इनफिनाइट रेजिस्टेंसेस का रिएक्टेंस है, ओके। तो ये भी आपके पास किस में आ रहा है, कॉन्सेप्ट बेस्ड। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इसका रीजन इट इज़ ऑल्सो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, ओके। तो आपके पास जितने रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, ओके, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी टॉपिक आप पढ़ते हैं उसमें सब में प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी हैं कि आप गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करते हो वोल्ट मीटर में, ओके, वहाँ पे आपके पास बहुत सारे पॉइंट हैं, ओके, कि आप क्या करते हो, कौन सारे जो आप रेजिस्टेंस लगाते हो, सीरीज में लगाते हो कि पैरेलल में लगा रहे हो, ये आपने के पास जो टॉपिक है ये भी आपके पास कॉन्सेप्चुअल बेस्ड में आया, ओके। तो जो नेक्स्ट 25 मैंने ऐड ऑन करा है, इट कंसिस्ट ऑफ, अच्छा इसको मैंने बाइफरगेट नहीं करा क्योंकि ये फिक्स नहीं है, इतना अपने माइंड में रखिएगा कि आपको फिक्स कह दिया है कि नहीं ग्राफ चार नंबर का ही आएगा, ऐसा फिक्स नहीं है, 6 मार्क्स का आ सकता है, 5 का आ सकता है, नॉट फिक्स। कितने ऐसे क्वेश्चन होंगे, ऐसे मैंने आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इस टाइप के रीजनिंग टाइप क्वेश्चन कितने आएंगे, फिक्स नहीं है। बस आपको इतना पता है कि आपके पास ये जो 25 मार्क्स का पार्ट है इसमें आपके पास ग्राफ आ सकता है, इसमें आपके पास क्या आ सकता है, रीजन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें आपके पास डिपेंडेंसी आ सकती है, कोई चीज़ दूसरे पर डिपेंड कर रही है, जैसे अभी हमारे पास एक्सी का फॉर्मूला 1/ωc है, ये आ सकता है, ओके। सो ऑन इस टाइप के और भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उन पे भी आपको फोकस करना है। एक मेरे पास वीट स्टोन ब्रिज है, वीट स्टोन ब्रिज में अगर मैं गैल्वेनोमीटर और बैटरी की पोजीशन चेंज करूं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड करती है, ये सारे क्वेश्चंस इन पे इस बार आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। किसी चीज़ का प्रिंसिपल क्या है, दिस इज नॉट कॉन्सेप्चुअल, मैंने इसको कॉन्सेप्चुअल में काउंट नहीं करा, ओके। तो कॉन्सेप्चुअल बेस में आपको क्लियर रखना है कि क्या क्या चीज़ें हों, इसके लिए आपके लिए बेस्ट है कि आप अगर NCERT फॉलो कर रहे हैं, आप NCERT बुक पे ही बेस्ड हैं, अच्छी बात है, आप उसकी एक एक लाइन पढ़िए अच्छे से, ओके। एंड फॉर प्रैक्टिस आप कोई भी रेफरेंस बुक उठाइए, मैं कोई नाम सजेस्ट नहीं करूँगा, कोई भी रेफरेंस बुक आप उठाइए, आप उस रेफरेंस बुक की जो बैक एक्सरसाइज है उस पर ध्यान दीजिए। बैक एक्सरसाइज में जो वेरी शॉर्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, इन पर बहुत ज़्यादा फोकस करिए, आपके पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, ओके। डायरेक्ट सैंपल पेपर तभी उठाइएगा जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो, अदरवाइज आप वो 100-150 क्वेश्चन तो तैयार कर लोगे पर नया क्वेश्चन बन के आया तब क्या करोगे, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस पहले आप बैक चैप्टर पढ़िए, बैक एक्सरसाइज लगाइए, फिर सैंपल पेपर उठाइए, ओके, ये कोशिश करिए। अब हम कुछ और बात करते हैं कि अब हमारे पास एक 5 मार्क्स का पेपर बचा है, वो 5 मार्क्स क्या है, तो 5 मार्क्स जो मुझे मिला दीज आर डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन मीन्स मैंने आपसे पूछा है मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन क्या होगी, ओके, दीज आर डायरेक्ट क्वेश्चंस। और क्या है, जैसे मैंने आपसे कह दिया कोई भी टॉपिक उठाते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज़ पर डिपेंड करता है, एरिया पर करता है कि नहीं करता है, इस टाइप के क्वेश्चन, ओके, जो बिल्कुल डायरेक्ट है, जो आप बिल्कुल फॉर्मूला देखा आपने आप आंसर दे सकते हो, उसकी डायरेक्ट डेफिनेशन से आप आंसर दे सकते हो, ओके। मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट क्या होती है, ये क्वेश्चन, तो इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने रखा है डायरेक्ट क्वेश्चंस में। तो ये आपके पास क्वेश्चन सिर्फ 5 मार्क्स का है। तो अब आप अपना जब पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें बात करते हैं कि हमारे पास 25 25 5, मैंने इसमें बाइफरकेट कर दिया है, और बात करते हैं कि अगर हम लोग ईजी एवरेज एंड डिफ़िकल्ट की बात करें तो वो डिपेंड कर रहा है भाई पर्सन टू पर्सन। एक बच्चा जिसने सब कुछ कंप्लीट कर रखा है इस टाइम पे, उसके लिए शायद सैंपल पेपर वो देखेगा, उसके लिए सब ईजी है, वो 55 के 55 अटैम्प्ट कर सकता है, जिसने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक उसके लिए तो पेपर टफ। तो ईजी डिफ़िकल्ट ये क्वेश्चन पर डिपेंड नहीं करता, ये पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट, उसकी गेनिंग कैपेबिलिटी, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। आपको कोई टॉपिक कितना ज़्यादा क्लियर है, आपने कुलाम्स लॉ पूरा डिटेल में पढ़ रखा है तो अब उसका क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो आप कर लोगे, तो वो उसको तो आप इजी में कंसीडर करोगे, तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर रहा है, ओके। फिर भी एज एन एवरेज अगर हम लोग देखें कि डायरेक्ट क्वेश्चंस जो आपको बुक में मिल जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, या जो कुछ नए बन के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ओके, जो आपको इजली बुक में नहीं मिलते, इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास अगर हम कुछ बात करें कि ईजी एवरेज एंड डिफ़िकल्ट में अगर हम बात करें कि हमारा पूरा पेपर कैसे डिवाइडेड, ओके, तो बात करते हैं। सबसे पहली चीज ईजी एवरेज एंड डिफिकल्ट, ओके,
इजी पार्ट, किसी भी एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, एवरेज मीन्स दैट इज एबल टू गेन 80% लास्ट ईयर तक के पेपर के हिसाब से, जो अपने आप को उस लेवल का समझ रहा था उस स्टूडेंट के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। ओके, तो आउट ऑफ 55 जो कि मुझे लगा 30 प्लस क्वेश्चंस आपके पास इजी में है, 30 प्लस, जो आपने जो भी पढ़ा है उससे डायरेक्ट डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप आराम से कर ले जाओगे। एवरेज की अगर हम बात करें 20, डिफिकल्ट की बात करें सो इट इज़ लेस देन 5। ओके, 5 ही ऐसे क्वेश्चन है जो आपको बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर देंगे अगर आपने सब पढ़ रखा है। ओके, अगर आपको हर फॉर्मूला क्लियर है, हर डिपेंडेंसी क्लियर है, हर ग्राफ क्लियर है, तो 5 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको सोचने पर मजबूर नहीं करेंगे। 30 क्वेश्चन जो मैंने इजी बोला उसका मतलब ये आपने क्वेश्चन पढ़ा, यस दिस इज द ऑप्शन, आपने टिक लगा दिया। ओके, या फिर आपने कहा यस दिस इज क्वेश्चन, ये फॉर्मूला लगेगा, हाँ एक लाइन रफ में सॉल्व करी, यस आंसर, इनको मैंने इजी में करा, जिसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ा, दिमाग लगाना पड़ रहा है, लेफ्ट हैंड रूल लग रहा है, राइट हैंड रूल लग रहा है, क्या करना पड़ेगा, किधर डायरेक्शन होगी, कैसे जाएगा पार्टिकल, इन क्वेश्चंस को मैंने एवरेज में काउंट किया। डिफिकल्ट मीन्स थोड़ा सा तो आप ज़्यादा सोचना ही पड़ेगा, जिसमें आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें ऐड ऑन हो जाएंगी। तो ये चीज़ें आप अपने माइंड में रखिए कि पेपर टफ नहीं है, पेपर इज ईजी, बट तब जब आपने हर चीज़ पढ़ रखी। ओके, अदरवाइज टफ लगेगा अगर आप बिना कुछ पढ़े चले गए, तब तो आपको हर एक क्वेश्चन हो सकता है, इंस्ट्रक्शंस भी टफ लगे, ठीक, तो इस पर ध्यान दीजिए थोड़ा। ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ पर, मैंने सैम्पल पेपर स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा जिसकी अभी तक हमने कुछ बात ही नहीं करी। ओके, क्योंकि आई होप सो आप सब ने सैम्पल पेपर भी डाउनलोड कर लिया होगा, उसकी मार्किंग स्कीम भी आ गई है वो भी डाउनलोड कर ली होगी, आराम से आपने स्टडी भी करे होंगे क्वेश्चंस। तो पहली बात करते हैं कि हमारे पास जो पेपर है उसमें 3 सेक्शंस हैं, जो मैंने आपको बता दिया कितने कितने क्वेश्चंस करने हैं। ओके, 20 ही अटैम्प्ट कीजिएगा, ज़्यादा मत कीजिएगा, जिस पे एक्यूरेट है सिर्फ वही, एक्स्ट्रा अटैम्प्ट करोगे फर्स्ट 20 आपके कैलकुलेट होंगे, लास्ट वाला आपका छोड़ दिया जाएगा, भले ही वो सही है, इतना ध्यान रखिएगा। ओके, और OMR भरते टाइम बहुत ध्यान रखिएगा, हो जाता है आपने बी देखा सी पे लगा दिया, क्वेश्चन नंबर 20 आपने करा, 21 आपने छोड़ा, 22 देखा उसको ऑप्शन सी है, OMR में भरते भरते आपने 21 पे फिल कर दिया, तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ओके, आगे हम कुछ बात करते हैं कि हमारे पास बहुत बच्चों को ये था कि केस बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होंगे, उसकी प्रैक्टिस ही नहीं हुई है, ज़्यादातर बच्चों की प्रैक्टिस केस बेस्ड रीजन एजर्शन की नहीं हुई है। तो पेपर में आपके पास 5 एजर्शन रीजन है, और वो भी आपके पास सारे कंपलसरी नहीं है। यहाँ अगर हम लोग बात करें 24 क्वेश्चन सेक्शन बी में, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन करने हैं, तो इसी 24 क्वेश्चन में आपके पास 5 एजर्शन रीजन क्वेश्चन काउंट हुए हैं। ओके, सो 19 आपके पास यहाँ पे MCQ हैं, 5 आपके पास एजर्शन रीजन। भाई एजर्शन रीजन कन्फ्यूजन होता है, अगर आप 19 ये कर ले गए तो यहाँ से आपको सिर्फ एक ही करना है, अभी एक तो आप कर ही लोगे। ओके, वेल जो पेपर को स्टडी एनालाइज करने के बाद समझ में आया वो ये कि सेक्शन ए इसमें काफ़ी इजी क्वेश्चंस रखे गए, बी में थोड़े से एवरेज रखे गए, बट सी उसके लिए आप इजी एवरेज कुछ नहीं कह सकते क्योंकि सी में आपके पास केस बेस्ड क्वेश्चन। ओके, आप केस बेस्ड में भी अब आप ये लगेगा कि 6 क्वेश्चन हैं ऐसा तो नहीं आता था, तो सी सेक्शन में इन्होंने 2 क्वेश्चन मीन्स 1+1 ये अलग से MCQ रखे हैं और 4 मार्क्स के केस बेस्ड रखे हैं, मीन्स एक केस बेस्ड क्वेश्चन है जिसके 4 क्वेश्चन हैं, तो टोटल आपके पास 6 क्वेश्चन हो जाते हैं। और उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप इनमें से कौन से 5 करो, आप केस बेस्ड के 3 करिए बाकी 2 अलग वाले करिए। ओके, केस बेस्ड के 4 कीजिए और बाकी 2 में से 1 कर लीजिए, उसकी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं, ठीक। तो ये एक एडवांटेज काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को मिल रहा है कि आपके पास केस बेस्ड क्वेश्चन सिर्फ 1 आ रहा है। ओके, और उसमें भी जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस मिल पा रहे हैं, नेट पे मिल रहे हैं, कहीं भी मिल रहे हैं, आप उनको स्टडी कीजिए, आपका जितने कॉमन टॉपिक्स हैं उन्हीं में से आपको मिलेगा, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत अलग लेवल का आपको दे दिया जाएगा। ओके, केस बेस्ड पे भी मैंने देखा कि एक न्यूमेरिकल वहाँ पे भी था, बहुत ही डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। ओके, ट्रांसफॉर्मर आराम से आपने अगर टॉपिक पढ़ा है, आपने पेपर नहीं देखा है, आपने ट्रांसफॉर्मर टॉपिक पूरा पढ़ रखा है, आपने इसका केस बेस्ड उठाया, आराम से कर ले जाओ। ओके, उसमें एक न्यूमेरिकल है, उसमें कॉन्सेप्चुअल भी है, उसमें एक डायरेक्ट भी है, तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं हो। ओके, मेन चीज़ क्या है,
कि आप अपना पूरा चैप्टर इन डिटेल पढ़िए और उसके बाद सैम्पल पेपर्स बैक, पहले बैक एक्सरसाइज देन सैम्पल पेपर लगाइए। ओके, तो आज हम लोगों ने केवल सैम्पल पेपर के पैटर्न की बात करी है और एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट ईच एंड एवरी क्वेश्चन कैरी 0.77 मार्क्स। अब आपको लगेगा कैसे कैलकुलेट करेगा भाई टीचर, आपकी पूरी OMR शीट काउंट हो जाएगी, आपके 20 क्वेश्चन सही है, 20 × 0.77 कैलकुलेट करा, आपके मार्क्स आ गए। ओके फाइन, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपका ईच एंड एवरी क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। डोंट गेट कन्फ्यूज, 5 assertion रीजन है, 1 केस बेस्ड है, ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको फॉर्मूलेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ओके, अब हम लोग आगे बात करते हैं कि हमारे पास जो ये सैम्पल पेपर है, अब भाई इसके क्वेश्चंस तो डिस्कस नहीं हुए, काफ़ी बड़ा लेक्चर सा लगने लग जाएगा ना, तो आपको तो आज हमारा इसका पैटर्न डिस्कस हुआ है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस पूरे सैम्पल पेपर को डिस्कस करेंगे, अगर एक टर्न पे हो पाया तो ओके, अदरवाइज हम लोग इसे 2 पार्ट में भी तोड़ के डिस्कस कर सकते हैं, ताकि आप बोर भी ना हो और आपको आराम से क्लियर हो, हर चीज़ समझ में आए इन डिटेल, कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, किसी क्वेश्चन में आपको ए मार्क करा गया तो क्यों करा गया। ओके, तो उसके लिए आप लोग हमसे जुड़े रहिए और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए बाय। ओके,